क्या होगा? नमस्कार जय दोस्तों, आप लोगों के बीच एक प्यारा आपको ज्ञान की बातें बताई जाए, शुद्धार्थी होगा आप लोगों का मनोरंजन। तो लीजिए, आप लोगों के सामने नाटक प्रस्तुत है किसकी मजाल को। शादी करके देखने अपने रिश्ता प्रतिशत में और रिश्ता प्रतिशत करके हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए लड़की देखने। अरे ताऊ रुको रुको रुको, अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? अरे अपनी शादी के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। बात बताओ, इस उम्र में तुम शादी करने जा रहे हो? अरे चार बार में शादी होते होते रह गई, और तो शादी करनी है मुझे। अरे ताऊ जी, शादी हो जाएगी, लेकिन मेरी बात तो सुनो, आज 21 तारीख है, 21 तारीख को पता है सारे लोग वोट डालने जा रहे हैं। पहले अपने लिए विधायक MLA तो चुन लो, फिर इसके बाद शादी कर, शादी में आपका फैमिली होगा, शादी हो जाएगी आपकी। हाँ ना समझो, आज़ादी से लेकर आज तक देश को संभाल के रखा है, अब विकास ही विकास करा है, कई योजना दिया है आपको। एक ही तो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अपनी पार्टी, सबका साथ सबका विकास। और पता है दूसरी पार्टी जो आई है अभी 5 साल के अंदर में, कांग्रेस की पार्टी थी तो 400 रुपए की गैस सिलेंडर मिलती थी, अब कितने के मिल रही है? 700-800 रुपए की। नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी के खिलाफ बढ़ा दिए, और बड़े बड़े चलान के लिए वो जो तुम्हारा सरप्राइज है ना, ये परसों जा रहा था, बाइक से आ रहा था, इसका 500 का चलान कट गया। 500 का? बिल्कुल। तो यही तो बात है ना सरकार में, आप ही तो कह रहे थे वोट दे दो वोट दे दो, वोट देने के नतीजा देख रहे हो ना। अरे भैया, मैं तो उम्मीदवार है, वो सच्चे समाज सेवक है, पढ़े लिखे LLB किया हुआ उन्होंने, और 40 साल का तजुर्बा है कानून के बारे में, वो जानते हैं, उन्होंने कई बुकें लिखी है। तो मेरे साथ बोलो, समझ में आ गया क्या? एक वोट यहाँ, हाला का भी एक वोट, बाजी का भी एक वोट, ताऊ का भी एक वोट, चाचा का भी एक वोट, भैया का भी एक वोट, भाभी का भी एक वोट, एक वोट, सरकार बनाए एक वोट, सरकार गिराए एक वोट, सरकार बनाए एक वोट, सरकार गिराए एक वोट, एक वोट, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो।
18 साल का हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक दिन मैं भी हुई थी, आपके भैया भी हुए थे, सभी होते हैं। अरे भाभी जी, मैं 18 साल का हो गया, मुझे वोट डालने का अधिकार मिल गया है। तो आपको पता भी है कौन सी पार्टी को वोट डालना है? ये तो नहीं पता भाभी जी। कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप भैया अपने भैया से सलाह ले लीजिए, या फिर जो हमारे मोर्चा जी है आप उनको फोन कर लीजिए, उनको राजनीति की अच्छी खासी समझ है। अच्छा तो ठीक है भाभी जी, मैं जा रहा हूँ वोट डालने, आप भी भैया के साथ आओ फिर। ठीक है, और ऐसा करना रास्ते में कोई भी आपको बहकाए पूछना है तो किसी के बहकावे में मत आना। ठीक है ठीक है भाभी जी। वोट डालने वोट डालने वोट डालने। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे वोट डालने जा रहा हूँ भाई साहब। अरे मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा पॉकेट गर्म कर दूंगा। आग लगा दो। अरे खर्चा बच्चा दे दूंगा, मेरे साथ आ जाओ। अरे भैया भाई पार्टी का वोट डालो, तुम्हारी दादी बंटवा देंगे। अरे भैया मेरे साथ आ जाओ, ऐसा है ना तुम्हें खाने पीने के लिए दावत भी दे दूंगा तुम्हें। अरे छोड़ो यार तुम सब, यार हमारे भाभी बोले बोला था मुझे, ऐसा करो वोट डालने से जाने से पहले एक बार मौसा जी से बात कर लेना, उसे राजनीति के बारे में अच्छे खासे नॉलेज। हेलो हेलो, हाँ प्रणाम मौसा जी। अरे प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है सर? वो प्यारे बात कर रहा हूँ, प्यारे बात कर रहा हूँ। प्यारे क्या बात है बताओ, कैसे क्या खबर है मौसा जी? फिर फंस गया मैं। अरे कितनी बार तेरे को बोला है कि मेरा पजामा मत पहना कर, फंस गया ना पजामे में। अरे मौसा जी इस बार पजामा में नहीं, लोगों के बीच फंस गया मैं। अरे बीच फंस गया, क्या हुआ बता, तूने क्या कौन सी कांड कर दी कि फंस गया बता। मौसा जी मैं 18 साल का हो गया हूँ और मैं वोट डालने के लिए जा रहा था, हाँ तभी कुछ लोगों ने आकर मेरे को पकड़ लिया। क्या बोला लोगों ने? अरे बोला कि मेरे पार्टी को वोट दे दे, मैं तेरे को खर्चा पानी दे दूंगा, मकान बनवा दूंगा। तो उनके बहकावे में तो नहीं आया ना? नहीं मौसा जी बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ सही समय पर वोट किया है। सुना है तुम्हारे सोहना विधानसभा से डॉक्टर संपूर्ण खड़े हैं जो सच्चे समाज सेवक है, तो तू ऐसा कर किसी के बहकावे में मत आ। तुम्हें पता है ना जब हमने 4 लाख लोन लेकर करा था उसी समय नोटबंदी हो गई थी, नोटबंदी के कारण कितना नुकसान हो गया था, वो अब अभी तक भर रहा हूँ मैं, कर्जे में डूबा हूँ। तो किसी के बहकावे में मत आ, सबका साथ सबका विकास, अपना पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हाथ के सामने वाले बटन दबा और डॉक्टर शमसुद्दीन जी को भारी से भारी मतों से विजय बना, हमेशा साथ। नाच काय हुआ है, नाच नाच। मैं जा रहा हूं मतदान करने के लिए, ठीक है, हाथ के सामने वाले बटन दबाऊंगा और डॉक्टर शमसुद्दीन को भारी मतों से विजय बनाऊंगा। समझ गया ना? ठीक है बिल्कुल। चली चली थी चली 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 कांग्रेस पार्टी की लहर चली, चली 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 कांग्रेस पार्टी की लहर चली। हरियाणा को खुशहाल बनाना, हरियाणा को खुशहाल बनाना, कांग्रेस पार्टी में है खूबी, चली चली फिर चली चली कांग्रेस पार्टी की लहर चली, चली चली फिर चली चली कांग्रेस पार्टी की लहर चली। जाते ना बात पे मोर लगेगी हाथ पे, जाते ना बात पे मोर लगेगी हाथ पे, हाथ पे हाथ पे हाथ पे हाथ पे। दोस्तों ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, ना हिंदू चाहिए ना मुसलमान चाहिए, बल्कि वीर चाहिए, योद्धा चाहिए, सोहना विधानसभा के जनता के अरमान चाहिए और डॉक्टर शमसुद्दीन चाहिए, डॉक्टर शमसुद्दीन चाहिए। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आने वाले 21 तारीख को मतदान केंद्र में जाएं और डॉक्टर शमसुद्दीन को भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। क्योंकि दोस्तों क्या करना है, मतदान केंद्र जाना है, वहाँ पे हाथ का निशान होगा, उसके सामने वाले बटन दबा के डॉक्टर शमसुद्दीन जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाना है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला प्रोग्राम देखने के लिए, उसके लिए स्पेशल थैंक्स।